नमस्कार और आदाब सनीचर। जुलाई के 27 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। फेहापे का पार्लियामेंटारियर पंचघर का नेता जो है और साथ में पुराना पुलिसी कमिसारस कृष्णा मथुरा, ये कहते हैं कि वो काफ़ी निराश है। वो तलुर खस्तल थे, इसलिए वो कहते हैं क्योंकि ये एबीएस फ्रॉड साक ये मुकदमा जो चला है, ओपन बार मिनिस्टेरी इनके देखने में बहुत कम सजा का मांग किए है। जो ये सजा का मांग हुआ है ये बहुत कम है। और ये भी वो कहा है कि अभी हाल ही में जो तख्त साथ था नोतारस दीपक शीतू के खिलाफ, इसमें भी कम सजा का मांग हुआ है, इनको कम सजा मिला है। कृष्णा मथुरा ये कहते हैं कि इससे साबित होता है कि इस देश में कानून बनाया जाता है सिर्फ छोटे लोगों के लिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो लोग ऊंचे दर्जा पर होते हैं, ऊंचे दर्जे वाले लोग, यास दास जो लोग पहरते हैं, उन लोगों के लिए कम सज़ा रहता है। और इससे जो जनता है सूरीनाम देश का, इनको संतुष्टि नहीं मिलता है, ये सब को तसल्ली नहीं मिलता, इससे लोग खुश नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है, ये कृष्णा मथुरा ने कहा है। ये एबीएस फ्रॉड साक के मामले में पिछले हफ्ता ओपन बार मिनिस्टेरी जो है डिरेक्सिलेडन जो था एक्स डिरेक्सिलेडन एबीएस का इन लोगों के लिए सजा का जो मांग किए है, इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई है। मोटर सर्फियंस दिन्स जो है ये सब जुलाई के 7 तारीख से लेकर जुलाई के 13 तारीख तक बहुत से ऐसे लोगों को डर भरना पड़ा फिर कैश ओवर ट्रेडिंग के वास्ते। और ये इसलिए क्योंकि लोग पूरा तौर पर गौर नहीं किए कि इन लोगों के पास ज़रूरी कागजात है या नहीं। बहुत से लोग बगैर रैब वेस के साथ गाड़ी हाँक रहे थे, इसमें 5 लोगों को बूट भरना पड़ा क्योंकि ये सब तेज़ी से गाड़ी हाँक रहे थे, बूट भरना पड़ा और ऊपर से इन लोगों का रैब वेस ले लिया गया है। बाकी के लोगों को पास कुछ लोग फेलखेज खोर्दल के बगैर सीट बेल्ट के बगैर लोग मोटर गाड़ी हाँक रहे थे, कुछ लोगों के पास रैब वेस नहीं था। जहाँ पर फ्रिकेश बोर्ड था कि आपको दाएं या बाएं तरफ नहीं जाना है, एक फरबोत है मतलब लिंक्स रेक्स अफसलान ये फरबोद है, तो भी लोग ऐसा किए हैं। और लोगों का गाड़ी क्योर या हेयर क्योर नहीं हुआ था और कुछ लोग बगैर फशेकरिंग के साथ गाड़ी हाँक रहे थे, तो इन तमाम लोगों को फरकेश बुतन मिला है। मिनिस्टर फिनंसियन का गिलमोर होवद्रा पिछले हफ्ता ये कहा था कि अमतनारन जो है सरकारी मजदूर जो है ये गारंटी देते हैं कि इन लोगों का तनख्वाह और भी फकंसी खालदन भरा जाएगा। ये गारंटी उन्होंने दिए थे और हम आपको बता सकते हैं कि इसी हफ्ता ये पूरा वो किए हैं, क्योंकि अमतनारन को अपना तनख्वाह और फकंसी खाल जो मिला है हर बरस यूली महीना के अंत में लोगों को अमतनारन को वकांसी हेल्प मिलता है और यह है 69% बजोल्दिंग का, तो ये पैसा तनख्वाह के साथ अमतनारन को भरा गया है। पुलिस जो है पारा का सिपाही जो है एतवार के रात को इन लोगों को खबर आई है कि एक हादसा हुआ है एक जहाज के साथ सूरीनाम नदी पर, यह है सुरौको के आसपास में। इस हादसे में 32 साल का एक आदमी स्टेफन फेल्डकाम का देहांत हो गया है। ये आदमी जो है स्टेफन फेल्डकाम जो एक जहाज में मौजूद था ये सूरीनाम नदी पर, और इसके साथ 2 और लोग थे, 48 साल का सुनील एस और 48 साल का दिनेश का। पुराना हाफन सुरालको का जो है सुरालको डॉक इसी के आसपास, ये मोटरिस्ट जो है जो ये जहाज चला रहा था ये मुमकिन है कंट्रोल खो दिए है बस्तूरिंग का और जाकर जंगल में पहुंच गया है। ये हादसे से इनका देहांत हो गया है और 2 बागी के लोग जो इस जहाज इस बोट में मौजूद थे इन लोगों को घायल हुए और इन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। इस हादसे के बाद ये पता चला है कि अब फैसला लिया गया है सूरीनाम नदी पर जश्न करना, पार्टीज इत्यादि करना, इस पर पाबंदी लगाया जाएगा। ये ज़रूर खोजबीन से भी पता चला है कि उस दिन एक समर बीच पार्टी जो है ये सूरीनाम नदी के एक संत बंक पर हो रहा था और लोग ये सोच रहे थे कि मुमकिन ये जहाज वहीं से आ रहा था ये समर बीच पार्टी से, लेकिन बाद में ये खबर भी मिला है कि हो सकता है कि ये सब ये समर बीच पार्टी का हिस्सा नहीं था।
लेकिन इसी सिलसिले में मिनिस्टेरी फन यूस्टिसी एंड पॉलिसी का पीएस जो है यह फैसला किए है कि पार्टीज करना सुरिनाम नदी पर इस पर पाबंदी लगाया जाएगा। मारितीमा पॉलिसी जो है मारितीमा ऑथोरिटेट सुरिनाम मास जो है बस्तुर्स्टिंस और कापीएस कॉरस पॉलिसी सुरिनाम जो है ये सब इस बारे में बातचीत किए हैं और खोजबीन से पता चला है कि यह समर बीच पार्टी जो बीचे हुए एतवार को था सुरिनाम नदी के संगपंग पर इसके लिए लोगों के पास फरखोनिंग नहीं था। मिनिस्टर स्टुअर्ट खतरों यूस्टिसी एंड पॉलिसी का कहते हैं कि जो फेल खेज बलय थे इस पर गौर किया जाएगा और इसके और मजबूत किया जाएगा। ये बातचीत किए है ऑन फरदाख बिलीटोन के बारे में, ये बताए है कि ऑन फरदाख बिलीटोन पर एक परमानेंट फेस्टिंग आएगा रेहियो बैसांस टीम RBT का, और यहाँ पर मतलब ये है कि RBT के लोग रखा जाएगा नज़र डालने के वास्ते। कारोलिना खबीज जो है यहाँ पर 24 घंटे एमा फिर तक और जो है सिपाही मौजूद रहेगा नज़र रखने के लिए, और मारितीम पॉलिसी जो है इसी वीकेंड से ये सब फकांसी पीरियड भर लोग नज़र भी डालने वाले एक पोस्ट इन लोगों का रहेगा। यह है प्लांटाश आयो के आसपास में, यहाँ पर पॉलिसी सर्फयांस होगा और ये पॉलिसी सर्फयांस ना सिर्फ पानी पर होगा लेकिन ज़मीन पर भी होगा, तो इस पर लोगों को गौर करना है। इलाका पारा पारा के औसत में जो फकंसी खंगर जाएंगे इस वक्त बहुत से स्कूलों को छुट्टी मिल गया है, तो आने वाले दिनों में बाकी स्कूल को भी छुट्टी मिलेगा। बहुत से फकंसी खंगर जाएंगे रेक्रियासी ओडन की तरफ, तो आपको इस पर और करना है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद रहेगा पानी में भी और ज़मीन पर भी पुलिस वहाँ पर नज़र डालने वाली है। ये बलैत स्मार्ट रेखलन बीते हुए बुध को लिया गया है। मिनिस्टर खतरों बातचीत किए है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आर्मान जुरेल के साथ और उसके बाद ये तमाम बलैत स्मार्ट रेखलन लिया गया है। एक ऑटो बस्तुर्दर जो है लेंडन ग्राइस 45 साल एतवार के सुबह इनका देहांत एक हादसा से हुआ है मार्टिन लूथर किंग वेग और रामगुलाम वेग के मोड़ पर। लिफॉर्नो के पुलिस जब वहां पर आए हैं तो गाड़ी जो पूरा तौर से नुकसानी इसमें हुआ था ये वहां पर मौजूद था एक इलेक्ट्रिसिटी मस्त के बगल में, और ये ग्राइव्स का लाश जो है ये सड़क पर था। लोग जो आसपास के जनता था लोग जो वहां पर मौजूद थे इनको गाड़ी से निकाले थे लेकिन उस समय इनका देहांत हो चुका था। अब तक के खोजबीन से पुलिस को ये पता चला है कि ग्राइव्स जो है ये मार्टिन लूथर किंग वेग से गुजर रहा था, ये एक गाड़ी को इनहाल करने की कोशिश किए है, मुमकिन जाकर ये गाड़ी से टकराया है, उसके बाद कंट्रोल खो दिए और जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी मस्त से टकराया है। इनका देहांत हो गया है और नेंदर ग्राइव्स का लाश जो है ओपन बार मिनिस्टेरी से बातचीत करने के बाद ऑटोप्सी के वास्ते सेक्सी के वास्ते पुलिस बिस्लाख में लिए है कब्जे में लिए है। ग्राइव्स के देहांत हो जाने से फरकेश बारोमीटर 40 फेर तक पर आकर पहुंच गई है इस साल के लिए। मियामी अमेरिका में सुरिनाम देश का यूएस डॉलर लगभग 1.6 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये कब्जा में लिया गया है, और ये पैसा जो है ये तीन कंबियोस का था। ये पता चला है कि खोजबीन हो रहा है कि यह पैसा जो है लोग ये सोच रहे हैं इस पर खोजबीन हो रहा है मुमकिन ये पैसा बेकानूनी तौर पर अमेरिका में लोग ले गए हैं बिना स्मगल किए हैं, मतलब स्मगल करके वहाँ पर ले गए हैं। ड्रग्स बस्त्रैदिंग्स और खानिसात सी DEA जो है ये इस पर भी खोजबीन कर रहा है, और ये भी लोग इस पर खोजबीन करते हैं कि ये वित्तवश का पैसा है क्रिमिनल पैसा है, मतलब ये है कि पैसा है जो सही तरीका से कमाया नहीं गया है। ये लोग इस पर खोजबीन कर रहे हैं कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का बात है या नहीं, इसका मतलब ये है कि लोग सही तरीका से नहीं इलाखाल मतलब गलत तरीका से पैसा कमाते हैं, इसको लोग फिर से इन्वेस्टेयर करते हैं किसी काम में लगाते हैं ताकि ये पता ना चले कि ये गलत पैसा है या गलत तरीका से ये पैसा कमाया गया है।
خالص موکل ہے یا نہیں اس پر کھوج بین ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سورینام دیس میں فنانشیل سیکٹر کے اندر کافی اشانتی پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو کافی دکھ ہے اس بات سے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ یو ایس ڈالر کا کورس جو ہے یہ اور چڑھ جائے گا۔ یہ کورس تو اتنا اونچا ہے، لیکن اب یہ قبضہ میں جو پیسہ لیا گیا ہے 1.6 ملین یورو، اس سے یو ایس ڈالر کا کورس اور چڑھے گا اور اونچا ہو جائے گا۔ ویسے ہم آپ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیا بات نہیں ہے، اس کے بارے میں اسمبلی کا پارلیمنٹاری جو ہے فیہا پے کے پنچ گھر کا نیتا آسیس کمار گیا دین یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو پتا ہے کہ یہاں سورینام دیش سے لوگ روز باہر دیش لے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں باہر دیش سے سورینام دیش میں یو ایس ڈالر لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوانہ اس پر غور نہیں کرتا ہے۔ دوانہ کو اس پر نظر رکھنا ہے، لیکن دوانہ اس پر بھی غور نہیں کرتا ہے۔ جب سے اپریل 2018 میں سورینام دیش کا پیسہ ہالینڈ میں قبضے میں لیا گیا ہے، تب سے سورینام دیش میں ایک خاص طرح کمتائی ہے کیش یو ایس ڈالر کا، اور یہ کیش یو ایس ڈالر جو ہے، یہ امریکن ڈالر جو ہے، یہ ہاؤت فیس اور ہاؤت سیکٹر میں بہت ضروری ہے۔ یہ جو شکایت سورینام دیش نے درج کی ہے، یہ سینٹرل بینک فن سورینام، ہاکرنگ بینک، ڈی ایس بی بینک اور فینا بینک، یہ جو ہالینڈ میں پیسہ قبضے میں لیا گیا ہے، یہ شکایت لوگ درج کیے ہے ہالینڈ میں۔ اس مقدمہ یہ مقدمہ جو ہے نومبر کے 5 تاریخ کو اس پر غور کرے گا، ہالینڈ کا ریکھ بینک اس پر نومبر کے 5 تاریخ کو غور کرے گا۔ خیال سینڈنگ جو ہے، مطلب پیسہ جو ہالینڈ بھیجا جاتا تھا، اس میں رکاوٹ آئی ہے، کیونکہ ہالینڈ یہ گارنٹی نہیں دے پائے ہیں کہ پھر سے پیسہ لوگ قبضہ نہ کرے۔ ناتاشا ہالف ہرٹ جو ہے یا ہاف ہرٹ جو ہے، پریزیڈنٹ باؤدش ان کو بیتے ہوئے بدھ کو بعیدہ کیے ہیں نیا امباسڈر سورینام دیش کا ریپبلک گانا میں، یہ نیوکتی ہوا ہے بیتے ہوئے بدھ کو، اور ان کا ستم پلاس رہے گا آکرا، یہ ہوفستاد ہے گانا کا۔ 7 اگست کو یہ گانا کے اور روانہ ہوں گے وہاں کے امباساد پر اپنا کام کرنے کے واسطے۔ یہ امباساد سورینام دیش کا گانا میں کھولنے سے دونوں دیشوں کا جو سمبندھ ہے یہ اور مضبوط ہوگا، ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے واسطے۔ ہر ایک جن کا عمر 40 سال سے اوپر ہے سورینام دیش میں، وہ لوگ پرانا کمیسارس فن پولیسی ہینری ہینک پینوئی کو جانتے ہوں گے، پروگرام جو ہے فرکیرش پراچ سے۔ یہ سالوں تک یہ پروگرام ٹیلیویژن پر کیے ہیں، لیکن افسوس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیتے ہوئے 15 جولائی کو اس کا دیہانت ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کمیسارس فن پولیسی تھا، پولیس کا آدمی تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا رابن ہوڈر تھا، رابن ہوڈ کا فین تھا۔ یہ جو ان کا پورا نام ہے ہینری ہینک برنیس پینوئی، درین تخت اختیار ہوئے ہیں 83 سال کے آیو میں، 15 جولائی کو ان کا دیہانت ہو گیا ہے۔ خپینشنے کمیسارس فن پولیسی تھا اور فور سیٹر تھا، کمیسی جو اتفیس دیتے ہیں سرکار کو نچنال اندرشخیدنگن کے سلسلے میں، جو راشٹر پرشکار لوگوں کو دیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں سرکار کو وہ رائے دیتا تھا۔ بدھ کو ستاتس ایئر کے ساتھ ان کے انتیشٹی کریا ہوا ہے ماریس روس پر، اور اس کا اوتفار دینس جو تھا خروت ستاتس کیرک میں، بہت سے لوگ ان کے بارے میں بات چیت کیے ہیں اور ان کے کافی تعریف کیے ہیں۔ پینوئی جو ہے یہ ایک پایونیئر تھا فرکیر کے سلسلے میں، اور یہ بہت سے زیادہ غور کیے ہیں فرکیر پر، اور بہت سے ماتریال بھی کاپی ایس کے لیے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ شینیز ٹراولرز کے بارے میں پچھلے سال سے بات چیت ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے یہ جہاز جو سورینام ندی میں ہے مچھلی مارنے کے لیے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے، یہ شینیز ٹراولرز جو ہے، ان لوگوں کو کہا گیا تھا سرکار کی طرف سے کہ ان لوگوں کو سورینام دیش کے جو پانی میں موجود تھا یہاں سے جانا تھا، لیکن یہ جو ٹراولرز کا مالک ہے روس نیچرل فشریز، یہ سب اس بات سے سہمت نہیں تھے، اور یہ سب مقدمہ چلائے تھے سرکار پر، ایک کورٹ خدنگ لوگ چلائے تھے، لیکن اس کورٹ خدنگ ریختر علیدا یوہانس جو ہے، یہ سب روس نیچرل فشریز کے
इन लोगों के फ़ायदे में ये सब फैसला नहीं सुनाइए, ये सब सरकार के फ़ायदे में फैसला सुनाइए, मतलब रॉस नेशनल फिशरीज है जो है ये कोर्ट खदिंग हार गए है। सरकार के फ़ायदे में कोर्ट खदिंग रेक्टर ने फैसला सुनाया है। इसका मतलब यह है कि ये सेस शिनेस फैब्रिक्स स्खेपन जो है, जो नवंबर से पिछले साल नवंबर से सूरीनाम देश में मौजूद है, सूरीनाम देश के पानी पर मौजूद है, इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जानकारी सरकार का वकील ड्वाइट क्राह हमें दिए है, और क्राह ये भी बताए हैं कि सरकार को अब किस वक्त के साथ मिलकर तय करना है कब और कैसे इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शंस सरकार के तरफ से इन लोगों को मिलना चाहिए। वैसे बेशतर एलफीफी कंट्रोल कर चुके थे और ये पता चला था कि इन लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नया मिनिस्टर एलफीफी का रबीन परनेसर भी खोजबीन के बाद ऐसा कहा था, तो भी लोग यहाँ से नहीं गए थे, ये जहाज यहाँ से नहीं गए थे। ये पता चला है खोजबीन के बाद कि कानूनी मांग जो है वतलक फरेस्त जो है एक फरखोनिंग के लिए इन लोगों के पास नहीं था, और इसलिए इन लोगों को फरखोनिंग नहीं मिला है। वैसे क्राह ये भी बताए कि हो सकता है कि रॉस नेशनल फिशरीज ये सब होकर बरूक में जाएंगे। पंचघर में बेफे के रात को वैद नोतारस अम त्विंतख नेखन तीन ये खुदकर हुआ है, ये पास हुआ है नेखन त्विंतख अलखमेन स्तमन के साथ। 24 कोवालिटी के लीडर और 5 ओपोसिटी के लीडर ये सब अपना वोट दिए हैं इस वैद ये कानून के वास्ते। वर्नेमन डीएनआर फोर्सिटर उस वक्त था मेल्विन बाउफा। मेल्विन बाउफा ये कहती है कि बहुत खुश है कि ये नोटारस अम्प ये वेद जो है ये बदला गया है, एक और बेहतर वेद लोग बनाए, एक और बेहतर कानून बनाया गया है, और इससे जनता को भी फ़ायदा होगा। ये नया कानून जो है इससे नोटारसन का जो आंता है तादाद जो है धीरे धीरे 20 से लोग 50 तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 50 नोटारसन मैक्सिमल सूरीनाम देश में हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। ये वेब में भी लिखा गया है कि जितना गलत काम होगा, क्लियंटन अगर ऐसा महसूस करे कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, तो 3 साल तक इन लोगों को मौका है तुर्क कलेश के पास अपना शिकायत दर्ज करने के लिए, और अगर ऐसा होगा तो तुर्क कलेश को 10 हफ्ते के अंदर ये मामला हल करना है, इस पर गौर करना चाहिए। इनिशिएटिव नेमर था ये नोटारस अम्त वेब का, ये था श्रीमती येनिफर हेयरलिंग्स सिमोंस। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। हम आपको ये बताना चाहते हैं गर्मी का मौसम है, काफ़ी झोरा है। पिछले हफ्ता हम आपको बता चुके थे, ज़रूर इस पर आप गौर कीजिए, पानी वक्त वक्त पर आप पीते रहिए, हर एक 2 घंटे पर पानी आपको पीना चाहिए, प्यास हो या नहीं तो भी पानी आपको पीना चाहिए। और इस पर भी आप गौर करना कि सुबह 11 और शाम 4 बजे के बीच ये मिनिस्ट्री फॉर फॉलोसोसों थे की तरफ से राय दिया गया है कि अगर हो सके तो आप तेज धूप में मत जाइए। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।